हमारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से मुरझाने क्यों लगते हैं? नॉर्मली होता ये है कि जब हम प्लांट्स को उनकी जगह शिफ्ट करते हैं, लेट से कि ये प्लांट जो था मेरे पास पहले शेडी एरिया में पड़ा हुआ था और फिर मैंने इसे उठा के जो है वो धूप में रख दिया, और ऐसी धूप में रखा जहाँ पे इसे कॉन्टिन्यूसली धूप मिल रही थी पूरे दिन में, तो ये प्लांट जो है वो मुरझाना शुरू हो गया। इसके लीव्स आप देख रहे हैं कि ये मुरझाना शुरू हो गया। एक ये रीज़न होती है प्लांट के मुरझाने की, और दूसरी रीज़न ये होती है, आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आप नर्सरी से प्लांट को घर लेके आते हैं तो नर्सरी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है प्लांट, और जैसे ही आप उसे घर लेके आते हैं वो एक दो दिनों में इसी तरह से मुरझाना शुरू कर देता है। नॉर्मली ये होता है कि प्लांट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए, वो किसी नई जगह पे मानूस होने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है तो वो शॉक में चले जाते हैं। तो इसलिए जब आप नर्सरी से प्लांट घर लेके आए तो उसे जो है वो एक तो अच्छी तरह से जो है नर्सरी से उसकी केयर पता करें, उसका नाम पता करें ताकि आप प्रॉपरली उसकी केयर कर सकें। दूसरा, उसे फौरन ही घर लाके उसे रीपॉट ना करें, उसे नए गमले में ना लगाएं, क्योंकि नए गमले में लगाने से भी उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसकी मिट्टी चेंज होती है, उसकी सराउंडिंग्स चेंज होती हैं, तो वो उस कंडीशन में भी प्लांट जो है वो मुरझाने लगता है। तो आप घर में ला के रखें, 3-4 दिन तक उसे पड़ा रहने दें, जब वो आपके एनवायरनमेंट के साथ प्लांट एक्लिमेटाइज हो जाए उसके बाद आप उसे रीपॉट करें।